भारत और चाइना के बीच बीते दिनों में हुए सीमा विवाद को लेकर अब सभी भारतीय चाहते हैं कि चाइना से इंपोर्ट हो रहे सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बॉयकॉट किया जाए। इसी को लेकर गुजरात के एक व्यापारी ने अच्छी पहल कर चाइना से इंपोर्ट हो रहे मॉस्किटो किलर रैकेट पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा माजरा आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ NCR। हर साल लगभग 2 करोड़ मॉस्किटो किलर रैकेट चाइना से भारतीय बाजार में बेचे जाते हैं, जिससे लगभग 300 करोड़ का मुनाफा सीधा चाइना को होता है। इसी को देखते हुए अहमदाबाद में रहने वाले जयसुख पटेल ने फैसला किया कि वे आत्मनिर्भर बन इस रैकेट का प्रोडक्शन अब भारत में करेंगे। जयसुख पटेल अजंता और वेरा ग्रुप के MD हैं। जयसुख बताते हैं कि 3 लाख रैकेट्स को अभी तक टेस्ट किया जा चुका है। आने वाले दिनों में लगातार 3 महीने तक हर रोज 50,000 रैकेट्स की प्रोडक्शन की जाएगी। यही नहीं, इन रैकेट्स को भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका और मिडल ईस्ट कंट्रीज में बेचा जाएगा। जयसुख के अनुसार इस बिजनेस से वे 12,000 लोगों को रोजगार देंगे, तो वहीं वे अपने मॉस्किटो रैकेट की 1 साल की वारंटी भी देंगे और इसकी कीमत भी चाइना द्वारा आयात रैकेट के दामों के जितनी ही निश्चित की जाएगी। गुजरात के जयसुख पटेल ने आज आत्मनिर्भर बन पूरे देश को एक अच्छा उदाहरण साबित करके दिखाया है, तो वहीं हम सभी को भी विदेशी छोड़ स्वदेशी अपनाने का निर्णय लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के लोग इनसे इंस्पायर होकर अपने सपनों को भी नई उड़ान देंगे। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ NCR।